ये आग है वो कितनी देर तक चली और जो इंतजामी अमूर इंतजामिया तो समझ लो ये अभी इंटरव्यू लोग दे रहे हैं काफ़ी, मैंने आज भी हमने भी सुने यूट्यूब पे भी लोग दे रहे हैं कि हम 11वें नंबर बुगी में थे, कोई बोला 13वें में थे, तो बता रहे हैं कि हम 11वें में थे, तो लोग कह रहे हैं कि पौने घंटे के अंदर मतलब है ना रेस्क्यू आ गई थी, सब झूठ है। तकरीबन 1.5 घंटा तो तस से मस से कुछ भी नहीं हुआ था, 1.5 घंटे के अंदर तो कोई आया भी नहीं था, 1.5 घंटे तक तो ना रेस्क्यू थी ना कोई और था, मतलब ट्राली एक आई थी बता रहे हैं कि जख्मियों को हमारे सामने डाल के लेके जा रहे थे बेचारे, लेकिन जब रेस्क्यू और जो आई है कम से कम 1.5 घंटा हो चुका था, वो जल जल के वो बेचारे समझ लो उनकी क्या थी उनके ऐसे तो हम आपको बता नहीं सकते, आग आखिर आपने देख ली होगी कैसी आग थी। आते वक्त हमारे काफ़ी लोग मिले भी ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके, तो उनको हमने दिखाया हमारे हद तक 6 दिन हो गए थे, बैग जो मेरा था ना बैग के अंदर इतनी गंदी स्मेल थी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैंने सुंघाई भी, वो भी बोले यार ये अजीब ही चीज़ लग रही है, असल बोले मुझे केस भी वो बता रहे थे, हमारी केस ही मुझे सौंपा गया है कि वो जो अपना ये गैस सिलेंडर फटा है या वायरिंग हुई है, और मैंने सारे बताया जा रहा है कि वायरिंग ही हुई है, वायरिंग का था सिलेंडर को तो वही बता रहे हैं कि अंडे उबाल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इतना तो टाइम ही नहीं था, नमाज़ पढ़ रहे थे लोग, इतना अंडे उबालने का टाइम, खाना बनाने का टाइम, तो बहुत मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमने वहाँ कहने का मकसद है ये वायरिंग से आग लगी है, कन्फर्म वायरिंग थी, मतलब बिल्कुल यूँ समझ लें आप लोग, क्योंकि वायरिंग गैस सिलेंडर का मामला ही नहीं था, अगर गैस सिलेंडर फटता तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तो आप देखते हैं मतलब कि वहाँ लोगों का नुकसान हुआ क्या हुआ, हमारे तो वायरिंग बदबू ही जब सिलेंडर फटे होंगे वायरिंग हमारे बदबू पहले आ गई थी, हमें वायरिंग में से बदबू आई थी, मोबाइल चार्ज हो रहे थे वहाँ से बदबू आई थी हमारे को। कितने घंटे पहले वायरिंग से बदबू आई? वायरिंग का तो बता रहे हैं कि 13 नंबर डब्बे वाले बता रहे हैं कि रात को हमने देखा था वो पंखे से हो रही थी, हमने उनको इंतजामिया को कहा भी था कि भाई कि मतलब यह था वायरिंग का बदबू आ रही है, लेकिन उनने कोई इनके से कुछ थी नहीं, हद तक इंतजामिया का आप इससे ताल्लुक लगा लें कि 1.5 घंटा जलती रही है, कोई बचाने वाला नहीं आया, इंतजामिया नहीं है, आप ये देखते सिर्फ वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी हमारे को समझ में नहीं, हमारे को नजर ही नहीं आ रहे थे क्या थे मतलब, और सिविल इंतजामिया डीसी हमने करा है बिल्कुल जी, अपनी मदद आपके थे, हमने शीशे तोड़े, अगर वो इतना मोटा शीशा नहीं टूटता तो हमने तो अभी हिम्मत हार गए थे हम, मैं बता रहा हूँ 15-20 सेकेंड हमारे लिए बहुत बता दिए मैंने आपको, 20 दिन के बराबर थे हमारे लिए वो इतने थे, मतलब हमने हिम्मत हार गए थे 20 सेकंड जो हमारे वो शीशा नहीं टूटता तो हम गिरना शुरू हो गए थे, हम तो फिर अपना शुगर के मरीज़ थे हमारे साथ जो कंपाउंड में थे मौली साहब हैदराबाद वाले मौलाना मिकदार साहब, वो शुगर के मरीज़ और बीपी का मरीज़ और बेचारे वो पीछे हम जब देख रहे थे धुएँ के अंदर वो बेचारे शीशे को लाते मार रहे हैं उनको, होश में नहीं आ रहे हैं वो, हम जब नीचे उतरे हैं उतरने के बाद लोगों ने हमें पानी ला के दिया, पानी के पानी कर रहा हालत सूख गया था बिल्कुल, पानी के एक घूंट पिया रशीद भाई यकीन नहीं करेंगे पानी नीचे नहीं उतर रहा हमारे से, यूँ होल उठ रहा है लेकिन यहाँ पे आ गया टक रहा है, वो एक सांस लिया था हमने तब उसका ये हाल था, वो जो बेचारे मिसाल के तौर पर सो रहे थे वो एक दो सांस ले लिए उन्होंने तो बेहोश हो गए, वो उठ ही नहीं पाएंगे बिल्कुल नहीं उठ पाएंगे, 1% उनका उठने का नहीं, इतनी जहरीली गैस थी वो। चलो आपके करीब शहर लियाकतपुर ज़्यादा करीब था या रहीम यार खान? लियाकतपुर था वो, हमने लियाकतपुर से 10 किलोमीटर ही हम निकले थे मतलब, तो हमारे को दोबारा उन्होंने फिर 3 डब्बे अलग करने के बाद उन्होंने पीछे से इंजन लगाया, इंजन लगा के हमारे को 10 किलोमीटर दूर पीछे वहाँ पे दोबारा लियाकतपुर लेके गए थे, वो हमारे को दोबारा लेके गए हैं फिर वहाँ पे लोग। इतनी वाक्य के बाद जो जाए हादसा वाक़ पेश आया उसके बाद कितनी देर तक आप रुके रहे और सिविल इंतजामिया कितनी देर में आई, डीसी एसपी साहब? ये मतलब ये आए थे कम से कम 1.5 घंटे के बाद सबको लोग आए, 1.5 घंटे के बाद तकरीबन सवा को लोग बोले 1.5 घंटा कोई बड़ा 1 घंटा ये सब झूठ है, 1.5 घंटा तो बिल्कुल जागत बुद्ध नहीं था लेकिन लोगों के बस वो क्या कर सकते हैं, हालांकि लोग आना शुरू हो गए थे लोगों की भीड़ लग गई थी फिर इतना कुछ हुआ था, लेकिन बस वो इंतजामिया का तो क्या ही कहना, क्या आपको पता है यहाँ का तो जो होता है सब कुछ होने के बाद इंतजामिया आती है, अब 1.5 घंटे के अंदर लाशों का क्या हाल हुआ होगा वो आप देख सकते थे, हम तो हमारे सामने थे एम्बुलेंस से जा रही थी लेके तो हमको देख के हमसे देखा नहीं गया रशीद भाई, अल्लाह बेहतर अल्लाह जानता है कि हमने क्या मतलब सियासीन देख के आए, हमने तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी जो बेचारे अंदर जल रहे थे उनका क्या हाल होगा, गैस प्लस वो अपना जो अपना आग, हमने गैस में हमने जान बचाई, उनकी तो गैस भी थी आग भी थी, उनका क्या सीन था वो अल्लाह बेचारे वो बहुत। जो टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे थे वो जो चूल्हे थे गैस वाले सिलेंडर ये किसके थे रशीद भाई? अभी आप ये बात अंदाजा लगा लो, देखो सब कुछ जल के राख हो गया और सिलेंडर बता रहे हैं कि बिल्कुल सिलेंडर ऐसे पड़े, सिलेंडर का तो काम ही नहीं था यूँ समझ लो आप, सिलेंडर तो देखो हर जमात वाले तकरीबन लेके जा रहे हैं इसमें तो कोई बात है नहीं, वो लेके जाते हैं भाई पंडाल में लेके जाते हैं, कोई अपने मतलब जमात जा रही हो तो सिलेंडर लेके जाती है अपना, लेकिन ये बता रहे हैं कि जल अंडे उबाल रहे थे,
ये नाश्ता बना रहे थे, वो ऐसा टाइम ही नहीं था नाश्ता बनाने वाला, वो नमाज़ें पढ़ रहे थे, लोग उठ के नमाज़ें नहीं पढ़ी अभी तक हमने, तो हम अंडे कैसे उबालेंगे, नाश्ता कैसे करेंगे। वहाँ पे हम जिस स्टेशन पे भी हम ट्रेन रुक रही थी वहाँ पे अपना मीडिया, काफ़ी मीडिया पहुँचा हुआ था, वो हमसे यही कर रहे थे, तो उनको मतलब उनका यही बताया जा रहा था कि भाई सिलेंडर तो बिल्कुल मतलब आप जानते हैं सुबह सोने के टाइम पर सिलेंडर का क्या काम, मतलब हम तो नमाज़ पढ़ने का टाइम था या फिर अब अंडे उबालना या फिर नाश्ता बनाना, ये तो बंदा फ्रेश होने के बाद ही करता है बिल्कुल नाश्ता वाश्ता का इंतजाम, तो वहाँ तो बस यही कहा जा रहा था। वहाँ पे हर हमने इतने इंटरव्यू रिकॉर्ड कराए, CNN BBC सबको रिकॉर्ड करवाए वहाँ पे मलिसा वालों ने इंटरव्यू काफ़ी, मतलब इंतजामिया का तो आपको पता है यहाँ पे काम होने के बाद ये बिल्कुल सबको जागते हैं यहाँ तो। अच्छा, आप जो दोस्त था आपका हैदर अली, महल का था, एक शहर का था, इसके बारे में मुझे ये बताएं कि चलते सफ़र में उससे आपका कोई फ़ोन पर रब्ता हुआ वाक़े से पहले? नहीं, बस वो ऐसे था ना कि अपना हमारा जो है, हम यहाँ से बैठे थे स्टेशन पे एक साथ, जब बैठे हैं तो हम तो अपने डब्बे में जा गए, हम उस अपना रात को सो गए, सुबह रात हो गए, बिल्कुल हम मिले गए थे, हम वहाँ पे स्टेशन पे एक साथ ही खड़े हुए थे, हम बात बात कर रहे थे ना, हमें कारी साहब वाले हम सब बिल्कुल एक समान रखा हुआ हमारा, हम एक साथ ही बात कर रहे हैं, काफ़ी देर तक बात करते रहे, अपना जुल्फिन के भाई भी साथ ही थे, जुल्फी भाई भी, कासिम भाई भी इनके साथ ही थे, वो फिर अचानक ट्रेन आई है तो हम अपने मंदिर में अपने उस पर चल गए, मतलब डब्बे के अंदर बिजनेस क्लास में, ये बता रहे हैं कि तुम्हारे अगले डब्बे में हमने इधर भाई को चढ़ाया था, उधर मीरपुर खास वाले जिसमें थे मौलाना मकबूल साहब वाले, उसके अंदर तो समझ लो ऐसा था, जब हम उतरे हैं ना अपना 11वें डब्बे से, जब अपनी जान बचा के निकले हम, तो मौलाना यामीन साहब हैदराबाद वाले और मीरपुर खास वाले, वो और उनका भतीजा निकल के आए, उनकी भी दाढ़ी जली हुई, मुँह काला सा हो रहा, बिल्कुल कपड़े उनके जले हुए, तो वो रो रो कार साहब गए, गले लग गए, वो कार साहब के साथ साथी थे, उन्होंने साथ पढ़ा था, तो आके गले लग गए, रोने लग गए, कार साहब ने बोला क्या हुआ बता रहे हैं, बोले बस हम दो बंदे निकले हैं, क्या 12वें नंबर डब्बे थे, किसी को मौका भी नहीं मिला निकलने का, हाँ बोले उनके भाई मौलाना मकबूल साहब जिनके अपना जो जले शहीद हुए उनकी भी, उनके बता रहे हैं क्या, बोला वो भी उसके अंदर ही थे, वो ऐसा हौलनाक था मंदिर था, आप देखते रशीद भाई आप बोलते बस वो आग नहीं थी, वो कोई और ही चीज़ थी, बिल्कुल आग हमने भी बहुत देखी, बिल्कुल ऐसी आग थी, आग आपने देखी है, मैं आपको क्या बताऊँ आग का तो मंजर, वो आग थी, वो ब्लैक कलर का धुआं, फिर वाइट कलर का धुआं, तो हैदर अली से आपका ट्रेन के अंदर कोई बात नहीं हुई, मोबाइल हम सो गए थे, मतलब रात को तो सुबह उठते के साथ नमाज़ पढ़ी है, कंपाउंड में ही थे हमारा, तो ये वाकया पेश आ गया। शहदादपुर में आपके बैठने के बाद कितने घंटों के बाद ये वाकया पेश आया? हम रात को बैठे थे तेजगाम, यहाँ पे आई थी 9:30 या 9:30 के टाइम पे, हाँ उनका टाइम इसका 6 बजे ये पूरे 6 बजे वाकया हुआ है लियाकतपुर से, मतलब 9 घंटे के बाद हुआ है बिल्कुल। अभी आप ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, इससे वाकया से अल्लाह बचाए, सफ़र तो करना है, तो क्या होना चाहिए कि रेल का सफ़र महफूज हो? अच्छा, सबसे पहले तो मतलब यही है कि अगर आप AC के अंदर बैठे हैं तो अपने लिए इनसे तो उम्मीद कोई रखनी नहीं है आपको, इनसे तो बिल्कुल आप एक टके की उम्मीद ना रखें, आप सफ़र करना है तो ये आपकी वो है मतलब ज़रूरत है समझ लो, अगर सफ़र करना है तो आप अपने हालात खुद रखो, हमने तो ये तय किया कि बिल्कुल अगर पत्थर को ये सीट अपने साथ रख के बैठो, माना ये हथौड़ा साथ हो पत्थर साथ हो, अच्छा जब तो कुछ भी नहीं था रशीद भाई, आते वक्त हम बिजनेस में हमारी टिकट थी वही 11वीं नंबर बुकी थी, वो बिजनेस क्लास में आते वक्त भी, तो उन्होंने फिर सारे सिस्टम कर दिए, वो स्प्रे जो होता है जहाँ पे हमारा शीशा एयर लॉक हुआ था वाशरूम के पास वाला, उसको इन्होंने वहाँ पे इतना बड़ा अपना वो रेड कलर का वो स्प्रे मशीन भी लगा दी और हथौड़ा भी लगा दिया, हथौड़ा ऐसे चार पेशकशों के अंदर मतलब उन्होंने फीड करके ऐसे लगा दिया कि आप टिक टिक निशान लगा दिए कि आपको ऐसे जरूरत पेश आए तो आप उसको हाथ मारेंगे ना तो टूट जाएगा, हथौड़ा निकल जाएगा, अगर ये चीज़ पहले लगाई जाती है तो हमारे ऐसा वाकई पेश नहीं आता हमारे साथ, 12 नंबर में तो समझ लो कि उनको तो बेचारों कुछ था ही नहीं, मतलब वो तो नॉन क्लास थी मेरे ख्याल, वो उसमें तो कुछ भी ऐसे ही नहीं थे, अच्छा। लेकिन मेन थी अपना AC डब्बों में तो कम से कम इनको ये रखना चाहिए था। इसका कहना ये है कि जिस गाड़ी में 12 नंबर में आग लगी है वो AC गाड़ा नहीं था, वो AC नहीं थे, 11वां नंबर AC था हमारे, उससे लोग नहीं निकल सके, उससे तो बिल्कुल बता रहे हैं आपको, दो बंदे निकले हैं, उन्होंने बताया कि हम भी वजू कर रहे हैं, मतलब वहाँ से थे उठ के निकल गए, नहीं तो जो अंदर थे वो में कोई भी नहीं बचा, उन्हें हमारा भाई भी था उनके मौलाना मकबूल साहब, वो लोग बेचारे शहीद हो गए, अभी उनका शनाख्ती कार्ड भी मिला है और पैसे भी मिले हैं, एक वीडियो वायरल हुई है उनके 25,000 रुपये थे और एक शनाख्ती कार्ड था मौलाना मकबूल साहब का, उनके वालिद का नाम भी मोहम्मद हनीफ लिखा हुआ है, बकायदा उस लड़के ने दिए, बोला कि भाई उनकी जेब से गिरा है, ऐसे माहौल था, बता फिर क्या बताएं आपको, बाकी समझ लो कि आते वक्त इन्होंने सारे सिस्टम कर दिए, क्या हथौड़ा भी लगा दिया और वो वाकई के बाद अभी आ रहे ना सिस्टम में, तो इसने हथौड़ा भी लगा हुआ था और वो भी थी मतलब स्प्रे मशीन, अगर ये पहले होती तो इतना कुछ होता ही नहीं, अपने शीशे तोड़ देते हम,
जो हमारा वाक्य था, हम तो चलो हम औरतें थी, बच्चे थे, उनका रोना आप देखते, हम खुद रो रहे थे, हमने तो कलमे पढ़ लिए थे, हम तो 1% हमारे को नहीं था कि हम बचेंगे। वो कैसे फरिश्ता कोई आया, उसने हमारे को बाहर निकाल के रख दिया, क्यों समझ लो हमारा ऐसा हाल था, हम तो सब कुछ भूल गए थे, कुछ भी याद नहीं था, हम तो बिल्कुल ऐसा माहौल था रशीद भाई जी। नाज़रीन आप सुन रहे हैं, ये वो असद अली मुसाफिर है जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था तेज़गाम का। 6 दिन उस वाक़े को गुजर चुके हैं, अभी तक वो तलख यादें हादसे के नहीं भूल पाए हैं। और इसका कहना है कि अगर कोई भी मुसाफिर अगर लंबे सफ़र में जाए तो अपने साथ जो भी सामान रखे तो एक छोटा सा थोड़ा अपने साथ रखे, पत्थर रखे या थोड़ा लगे कोई ऐसी चीज़ अपने साथ रखे, उनके आश्रय में ना रहे क्या, मतलब रेलवे कुछ कर दे या कुछ हो जाएगा, उनका तो आप छोड़ दो, अपने अपने खुद रख के चलो। अरे वहाँ पे हम तो एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेके चल रहे थे, ताकि चप्पलें भी अपनी हम एक्स्ट्रा लेके चले थे वहाँ पे के, तो लोग वहाँ बेचारे तो ऐसे कूद गए थे, हमारी चप्पल भी वहीं रह गई, तो दूसरों की मदद करते भाई चप्पल ठीक है पहन लो, क्योंकि रोड़े थे मतलब इतने रोड़े हमारे कूदने, तो हमारे लगी इधर भी काफ़ी, हमारे को जो हमारे को तकलीफ हम जानते हैं वो क्या हुआ था, लेकिन जलने वाले उनकी तकलीफ तो बस। अच्छा, रेलवे इंतज़ामिया ये कहती है कि हमें पता नहीं चला कि हर ट्रेन में सिलेंडर गैस जो है वो लेने की सख्त मना है, जुर्म है, पाबंदी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे से गलती ये हुई है कि जो लोग अगर लेके गए तो हम रोक क्यों नहीं पाए। मेन मसला यही था, अगर कानून सख्त हो ना रशीद भाई तो हम कुछ लेके जा नहीं सकते, अगर ना कानून सख्त होता तो हमारे को पहले ही मना कर देते भाई, यहाँ से चढ़ते हुए कि भाई अपना सिलेंडर नहीं लेके जाओ। असल में गलती तो उनकी है ना कि हमारे को रोका नहीं, सर हम क्या, हम तो सिलेंडर हमारे पास तो नहीं था, लेकिन जमाते जाती हैं मुसलतन, उनको तो अपने इंतजाम के लिए लेके जाते हैं ना भाई, अपना वहाँ पर जाके कुछ भी स्टेशन पे उन्होंने गैस निकालते या कुछ वो करते या हमारे से ले गए रख लेते, वो भाई गैस निकालते या वैसे भी होता तो लेके भाई वो जाने ही नहीं देते हमारे को, वो जाने ही नहीं देते, तो उन्होंने जाने क्यों दिया हमारे को। मिसाल जब इतना को मामला हो सकता है तो पहले हमारे को रोक देंगे भाई हम नहीं लेके जा सकते, तो गैस के सिलेंडर इशू क्यों, मतलब उन्होंने क्यों हमारे को लेके जाने दिए, वो पहले इनका इतना कानून सख्त हो कि भाई आप लेके नहीं जा सकते, फिर भी हम लेके जाएँ तो आप हमारे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि हाँ भाई तुम मना किया था तुम ले गए, मना भी नहीं, फिर वो ले भी गए लोग, फिर जब वो जो हो गए तो फिर हर स्टेशन पे उन्होंने वहाँ लिख लिख के लगा दिया कि गैस जो सिलेंडर लेके जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, जेल जा सकता है, जुर्माना हो सकता है, मतलब ये चीज़ पहले क्यों नहीं लगाई गई। अच्छा, वो बाद में लगा, वो बाद में हम जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर भी न्यू बिल्कुल नया कलर का बैनर लगा हुआ था, तो उन्होंने ये मतलब क्या वाकई के बाद सामान की चेकिंग सख्त थी बिल्कुल, वहाँ पे हम जिस स्टेशन पे रुक रहे थे वहाँ पे मीडिया भी पहुँच रहा था, पुलिस पहुँच रही थी, वो अपना सारा सामान खोलो भाई, सामान निकाल रहे हैं, सिलेंडर निकालो, सिलेंडर निकालो, तो पहले क्यों नहीं निकलवाए सिलेंडर रशीद भाई, पहले क्यों नहीं निकलवाए, असल में वो हमारे को मना कर देते तो हम लेके ही नहीं जाते, मतलब लोग दूसरे सिलेंडर जो लेके जा रहे थे, हम हमारे एक के चक्कर में मैंने तो दूसरों को भी नुकसान होता है कि मतलब अब पूरा डब्बा जल गया, सब कुछ जल गया, वहाँ पे हुकूमत तस्वीरें दिखा रहे हैं सिलेंडर बचा पड़ा है, बिल्कुल देख रहे हैं। अब आपने अंदर की वीडियो भी देखी होगी ट्रेन की, आपको दिखाई 6 मिनट की वीडियो उन्होंने बनाई है, जब उन्होंने देखा है कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी सीटें वटें सब जल गई, सब कुछ जल गया, वो सिलेंडर कैसे बच गया, ट्रेन जल गए वो टप 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 टप, क्योंकि सिलेंडर जले हुए दिखाए थे मगर इस हालत में दिखाए रहे थे कि अभी जले, बिल्कुल अभी जले, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि अगर अंदर था भी तो किसको क्या पता कि अंदर क्या सिलेंडर था या क्या था अंदर, क्योंकि लोग तो कोई बचे ही नहीं उसके अंदर थे, वो 13वें के अंदर बेचारे जल रहे थे, उनके घर वाले कैसे रो रहे थे, वो भी आप नज़ारा आप देखते तो आप खुद बोलते हैं कि वाकई में क्यामत का, बिल्कुल क्यामत का मंदिर था। ये आपने पूरी रोयदा सुनी एक देखे हुए गवाह की जो उस वाक्य में था, और उसकी ज़िंदगी में 13 सेकंड बहुत अहम है, जो उन्होंने बताया अगर ये 13 सेकंड मुझे नहीं मिलते तो शायद आज मैं भी इस दुनिया में ज़िंदा न होता। जो पब्लिक ट्रेवलिंग के 3 असबाब हैं, एक लोकल बसें होती हैं, वैनें होती हैं, उसके बाद ट्रेन होती है, उसके बाद हवाई जहाज़ होते हैं, मगर वो अनसेव होने की वजह से कई घराने बर्बाद हो जाते हैं, कई इंसानों की ज़िंदगियां वक्त से पहले ख़त्म होती है। फिर हम जैसे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो एहतियात बाद में कर रहे थे, काश ये प्रिकॉशन ये एहतियात पहले होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। इसका ये भी कहना है कि ये तारें जो एसी जो डब्बे थे उसमें पहले से ही ये रात से ही स्पार्किंग कर रही थी, अगर ये जो ट्रेन की इंतज़ामिया अगर
पहले से होशियार हो जाती तो शायद आज ये अधूनाक वाक़या नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक इंसान की वजह से पूरी फैमिलीज यहाँ उदास हैं, यहाँ दुखी हैं, इनके आंसू बह रहे हैं, इनकी आँखों में आज भी वो उदासी है जिसका मदावा कोई नहीं कर सकता। आज भी ये बाहर के जो फैमिलीज़ के मर्द हैं, इनकी फीलिंग है। अब आप बताएं कि उनके घर के अंदर जो इनकी वाइफ है, जो इनकी बहनें हैं या रिलेटेड ख्वातीन हैं, उनकी क्या कैफियत होगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें हमारी इंतज़ामिया जो हमारे हमें सर्विस दे रही है, हम अपना किराया देकर बस में बैठते हैं, वैन में बैठते हैं, कार में बैठते हैं और हवाई जहाज़ में बैठते हैं, अगर कहीं पर भी कोई कमी महसूस हो रही है तो उसे लागर्दी में टाला ना जाए और बाकायदगी से वहाँ वो काम किया जाए जो ये अपनी फैमिलीज़ के लिए करते हैं, जो अपने बच्चों के लिए करते हैं। काश हमारी इंतज़ामिया को वो सोच आ जाए जो अपने रिश्तेदारों और अपने घर वालों के लिए होती है। जी नाजरीन तहां दिसो व्याद खामोश गोड़ा आन डकंदड़ जबान से लफ्ज़ आन उन भेनरू उन घरवारी बया रिश्तेदार रोज़ गोड़ा वहन था। रोज़ कुरान पाक जहा ख़त्म कढ़ी अस नंढड़ा उनका बारड़ा तुम ऐसा तो कितना उनका मासूम गुलड़न जड़ा बारड़ा है थोड़ो उन्होंने भी दिखा चाहिए स्क्रीन से तई उ जो मूँ स्क्रीन से ऐसन था तो इन नंढड़न की बेवसी आई नंढड़न जो मासूमाना चेहरो ऐसी अबूगी याद आती है हैदर अली जहाँ टई गुलड़न जड़ा बारड़ा जी पैं पी के याद कर जी नाजरीन में हैदर अली जे मासूम पुटन से गड बीठल आया इन सभी जहाँ मासूमाना चेहरा अज भी इंतजार में आन पे पीजे तेज़ गाम ट्रेन के हादसे के कई ढी गुजरी वह अज भी हैदर अली की फैमिली हैदर अली की तलाश में मसरूफ़ है। इंतजामिया के या गुजारिश है ता जेके भी गुम थियल मानू आए उन्हें जे वारसन सा भरपूर तावन करे भरपूर उन्हें जी रहनमाई मदद करे जी वे दुखींदड़ मानू पंजे गुम थियल रिश्तेदारन के बोले सकन। कैमरामैन जावेद गोरी संगर रशीद मक्सी धरती टीवी न्यूज़ सांगा।